Thanks. So hey guys, what up everybody? Gupta back it again with a new vlog पर चैनल पर नहीं हो तो फटाक से नीचे एक्सलेशन को ज्वाइन कर लो एकदम मस्त से एक्सलेशन को ज्वाइन करो. So देखो अभी हम लोग मैं आज एक जगह जाने वाले सब व्लॉग शूट करने हैं बट थोड़ा सा टाइम का इशू हुआ मेरे साथ और डैड को जाना था बाहर, मेरे को भी जाना था थोड़ा सा बाहर उनके साथ तो मैं वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ. आज मैंने सोचा था कि हाँ जाऊँ, मैंने सोचा था कि कल एकदम परफेक्ट हो गया था कि हाँ कल शाम को इतने बजे मैं आज कितना बजे है भाई, अभी तो 5:30 बज गया है ना, तो अभी मैं तो 5:30 से व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मैंने सोचा था कि हाँ शाम को हम लोग 5 बजे के आसपास यहाँ से घर से निकल जाएंगे रेडी होके. बट शिवा को भी थोड़ा सा काम था, मुझे भी आज जाना है तो मैंने वो व्लॉग कैंसिल कर दिया. मैंने कहा आज मैं एक स्पेसिफिक मतलब एक अलग सा एकदम मजेदार सा थोड़ा सा व्लॉग होगा. तो मेरे को अभी जाना है कहाँ पे, मेरे को जाना है मटर लेने मतलब स्टेशन जाना है तो वहीं आपको दिखाते हैं आज अपना विचित्र बाराबंकी जंक्शन का रेलवे स्टेशन. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सो देखो अभी हम लोग ज्यादा बातें शीते नहीं करेंगे, ज्यादा बातें कर रहे थे थोड़ा सा व्लॉग बोरिंग होने लगता है तो अभी हम लोग चलते हैं. मैंने शिवा को कॉल कर दिया है, वो अपने घर पे रेडी हुए और अरे बाबरे क्या कर रहे हो तू, किधर भाई इधर आ जाओ. सो भाई अभी हम लोग चलते हैं, ज्यादा बातें सीधे बातचीत नहीं करते हैं, बाकी बातें चीते आपको पूरा वहां दिखाएंगे बाराबंकी रेलवे स्टेशन. तो भैया ये है हमारा विचित्र रेलवे क्रॉसिंग जो भाई, अरे भैया जल्दी निकल. हाँ तो भैया जो भैया हर टाइम बंद ही रहता है, हमेशा तुमको भीड़ ही मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे. यहाँ से तुम जब ट्रेन आए और चाहे ना आए, चाहे जाए और चाहे ना जाए, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद रहेगा. ये यहाँ की सदियों से आती हुई रीत है, समझ रहे. अरे भैया बस निकल गए भैया, बढ़ाओ बस बैठो भैया. तो भैया ये है बाराबंकी का रेलवे क्रॉसिंग. भैया योगी आदित्यनाथ जरा इसमें कुछ सुधार उधार कराइए, आप दिन भर बंद रहता है यहाँ पे. बताओ तुम आओगे तो तुमको आएगे तो भी तभी बंद मिलेगा, जीना तो उतना तुम आओगे तो खुला मिलेगा. तो भैया ये कुछ चर्चे हमारी बाराबंकी रेलवे क्रॉसिंग के है ना. तो अब जो मेन चीज है वो आपको दिखाते हैं बाराबंकी रेलवे स्टेशन. तो चलो यार आप पहुँच के वहाँ पर थोड़ी बातचीत करते दिखाते हैं आपको नज़ारा. तो ऑल राइट तो हे गाइस, तो देखो हम लोग अभी यहाँ पे अपनी बाराबंकी रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं. देखो ये पीछे अपना बहुत बाराबंकी जंक्शन. सो अभी हम लोग देखो अंदर चलते हैं, अंदर तो दिखाते हैं क्या क्या फायदे हैं इसके, दिखाते हैं. ये भैया बाराबंकी रेलवे स्टेशन अपना, ये अंकल जी बैठे इधर, ये टिकट घर आ रहा भैया इधर अपना, ये टिकट घर, यहाँ पर भैया टिकट देते हैं सब, यहाँ भैया अपनी इंक्वायरी सब होती है और ये अपना एक नंबर प्लेटफॉर्म, ये ही एक नंबर प्लेटफॉर्म. ठीक है इधर ये एक है, ये बीच वाला पता नहीं कौन सा, 2, 3, 4, 5, 4 तो उधर है, इधर आओ इधर से चले, आ जाओ. तो भैया ये देखो है अपना बाराबंकी रेलवे स्टेशन. ठीक है तो अभी तुमको दिखाते हैं हम इसके बेनिफिट. लोगों के सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट जानते हो क्या है, यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म पे एक वाईफाई लगा हुआ है. यही नहीं अभी और सुनिए तो जिसको लंबी वाली नीड होती है डाटा की ना, वो तुमको यहाँ खड़ा मिलेगा. ठीक है यहाँ खड़ा मिलेगा या ऊपर तुमको, अब चलो या तुमको मिलेगा ऊपर खड़ा हुआ. तो आओ ऊपर चलते हैं, देखो ऊपर लगा हुआ किधर ही, इधर भी है, किधर भी किधर गया वो, देखो पीछे लगा है ना. गाड़ी लॉक कर दिया, गाड़ी लॉक है यार, चलो है ना. तो अभी चलो अपन देखो ऊपर चल रहे हैं. ये देखो भैया ये अपने बैठने के लिए नंबर एक का, और ये अपनी सारी लाइन्स हैं. लेकिन प्लेटफॉर्म जो बात है भैया देखो सही तो हो गया पहले बहुत ज्यादा. अरे अंकल जी किधर. तो देखो भैया ये अपना रेलवे स्टेशन, यहाँ पे देखो सबसे जो मेन चीज आता है ऊपर आके देखो तुमको तो लोग मिलेंगे ना, जहाँ मिलेंगे खड़े होके वहाँ मिलेंगे, दिखाओ जरा कैमरा, जहाँ मिलेंगे इस जगह पे है ना, यहाँ मिलेंगे या तुमको नीचे वहाँ मिलेंगे, नीचे इस जगह पे यहाँ मिलेंगे. तो मतलब 5-6 जगह है जहाँ तुमको लोग मिलेंगे खड़े, उनके अगर तुम फोन चेक करो तो सबके में रेलवे वाईफाई कनेक्ट होगा है ना. तो लोग को जिनको ज्यादा नीड होती है डेटा की सब यहीं से आगे खड़े रहते हैं.
तो हम लोग को भी, हम भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी आते हैं, हम भी करते हैं भैया। पर सबसे पहले पबजी है शुरुआत में, मतलब तो यहीं पे खड़े हो गए रात में, यहीं एक दो जो पेड़ कटिंग चाय वाला की दो दो लोग खड़े हो गए आराम से, बस पूरा खत्म हो गया और वेट कर लेते थे पूरा पूरा। और उधर देखो ये मैं ये एक नंबर है, दूसरा नंबर दिखा दे, नजारा देखो भाई, नजारा देखो, बाराबंकी का नजारा देखो तुम्हें, बढ़िया विकार है देखो, मतलब एकदम खतरनाक। आईफोन नहीं मेरे, फिर भी अच्छा आ रहा, पता नहीं कैसे। ये अपना जैसे ये दो नंबर का भी ठीक है, उधर से एक नंबर का था, ये दो नंबर का भी अपना, और ये इधर, ये लास्ट अपना चार नंबर, ये तो अपना बंकी वालों का अड्डा है भाई समझो। और व्हाट्सएप फैम ग्रुप एक्सट्रैक्शन को ज्वाइन किया तुमने? ज्वाइन किया बताओ किस कदर शांति है इस देश में, 1945 में थी ऐसी शांति। सब लोग सो रहे हैं भाई, किसी ने एक्सप्रेशन को ज्वाइन नहीं किया, देखो बाकी तुम लोग ने एक्सप्रेशन को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन कर लो एक्सप्रेशन को। और ये अपना चार नंबर का भी, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी अच्छी आती है क्योंकि हम भी परसेंट स्पीड देता है ना। और ये अपना दूसरा, इधर से आने के लिए, इधर से जाने के लिए। ये जो ये है, ये नीचे से, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ से, मतलब यहाँ नहीं, ये पूरा इधर से जाता है रास्ता जो तुम्हारा पूरा, समझे, ये पूरा इधर से ही देखो, ये है पूरा बंकी वालों का अड्डा। अभी चलेंगे वहां पे, चलो उधर चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसा कैसा है वहां पे, क्या 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 होता है। हम लोग का भी शाम का अड्डा वही है भाई, हम लोग का भी शाम का अड्डा वही है। और भैया ये पीछे वाली बिल्डिंग अपनी, वो ये वाली बिल्डिंग यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग अपनी जितनी वीडियोस वगैरह शूट होती हैं, मतलब जितने हम तो करते नहीं, ये करता है ये कैमरा मैन अपना है ना, तो जितने भी हम लोग रील शूट करते हैं ना, जितनी होती वहाँ पे। तो ये देखो ये अपना गेट पे, छोटा सा गेट पे, ये मतलब पुल है, इधर शॉर्टकट रास्ता है एक बंकी वालों के लिए, उधर से लोग आते हैं, इधर से सब लोग, इधर पूरा बंकी एरिया जिधर हम लोग रहते हैं, और इधर से ये मेन, इधर से ये सामने से लाता है ये क्रॉसिंग, जिधर हम लोग जिस तरह से हम लोग यहाँ है वो आगे से घूम के पूरा ऐसे वो क्रॉसिंग आ जाती है, यहाँ से बीच से तुम लोग दिखाएंगे अभी तो क्रॉसिंग है इधर है ना। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता है, ये है भैया बंकी वालों के लिए, जिसको भी शॉर्टकट हो तो क्रॉसिंग से भाई जाएंगे, पैदल जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है, जो स्टेशन के उस साइड जाना जाता है, तो सब लोग घूम के नहीं आते, कोई उधर से कोई इधर अंदर, पता नहीं कितने रास्ते हैं, 25-30 रास्ते तो अंदर ही अंदर है, सब लोग कट के निकल जाते हैं, हम लोग भी निकल जाते हैं। ये तो भैया प्राइवेट, ये तो पब्लिकल है, जो सब लोग जहाँ जाते एकदम मेन है, यहाँ साइकिल लेके चढ़ा के भैया हम स्कूल स्कूल जाते थे, स्कूल से निकलते थे सुबह। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया इसका, क्या हो गया अभी, यहाँ तो सही चल रही है, इसमें क्या हो गया, आओ देखो ये अपना है प्लेटफॉर्म नंबर 4, वो हमने 1, 2, 3, 4, 3 दिखा दिया तुम लोगों को, और ये अपना ये 4 प्लेटफॉर्म, ये रहे हम, ये रहा हमारा कैमरा मैन, और यहाँ पे ब्लॉग शूट हो रहा है और ये पुलिस चौकी स्टेशन के पास है, स्टेशन में जॉइन कर लो डूड और सब। तो देखो अभी ये हम लोग एंड में चलेंगे, जहाँ हम लोग का अड्डा, जहाँ से हम लोग स्टार्ट होता है सीधे डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं, और दिखाते हैं यहाँ पे क्या 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 क्या। ये देखो वाईफाई भाई, ये देखो ये ऊपर वाईफाई, हाँ ये देखो, ये तो है मानते हैं लोग, यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, ये भी नहीं छोड़ते भाई। और यहाँ दिखाए तुमको, यहाँ पे नीचे बैठ बैठ के चलाते हैं, ये देखो यहाँ पे सब घुस जाते, खड़े हो जाते हैं, चुप्पे चुप्पे चलाया करते, कोई वहाँ पेड़ से बैठ के चला रहा है, कोई गाड़ी खड़ी करके चला रहा है वहाँ पे, कोई कहीं बैठ के चला रहा, ऊपर तो कोई बैठता नहीं है, वो देखो वाईफाई लगा, मतलब ये है भाई हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कैसे भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो देखो ये अपना है अति संप्रिय, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी तुमको देखो ये चार नंबर है, तुमको अभी भीड़ दिखाता है, यहाँ पीछे देखो, मतलब पार्क बना रखा भाई, फ्लो बना रखा उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, क्या कैसे बोलते हैं, अरे उत्पाद बना रखा भाई घूमने वाला। यहाँ पे शाम को तुम आ जाओ तो एकदम पार्क लगेगा तुमको। अभी चलो एंड भी चलते दिखाते हैं पार्क की। तो देखो ये सीट नंबर 1 उधर, सीट नंबर 2 दिखाओ थोड़ा सा जरा, अपने घंटा बंसी भाग रही है वहाँ पे, सीट नंबर 3, और इतने बड़े पड़े हुए यहाँ पे, वो क्या छोटे वाले टावर ये सब है ना, तो इसी पे सब एकदम बैठ के शाम को। अभी तो भैया अभी हम लोग आए थे, हम ट्रेन के रुक गए कि कॉस माइक है नहीं, ऐसे बोलते हुए ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती, तो ट्रेन की आवाज़ आने की वजह से मैं रुक गया, और उतने में सब सन्नाटा हो गया, मैं कहा भाई किस्मत खराब है, जो दिखाना चाहता था वो दिखी नहीं, कैसे दिखाएं नहीं दिखा सकते। पॉपुलेशन देखो तो पॉपुलेशन इस देश में 25% लोग, सुन ना अंकल जी मारी है कम नाम का, देखो
यहाँ पे हम लोग वो सामने अपना मार्गो धाम। तो अभी यहाँ चलते को अभी आ चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे दिखाते हैं वो क्या क्या होता है क्या करने। तो मार्गो धाम में तुमको पता है क्या, फिर भी बताना मेरा फर्ज है, तुम्हें बताऊंगा जरूर। सो भाई तो ये स्टेशन और ये स्टेशन का मार्गो धाम, ये देखो यहाँ पे अपना जितना पास है यहाँ पे, मतलब जितना जो अपना रेलवे मालगाड़ी वगैरह आती है उसका माल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है सब यहीं जो होता है। ये वाला क्या मतलब रील शूट करने की अच्छी लोकेशन है, कर सकते हैं। कोई है तो नहीं है इधर, चलो आओ आगे मेन गेट दिखा दे राजा। देखो भैया ये अपना मेन गेट ये ट्रक वगैरह खड़े हैं, कोई सब माल यहीं से माल उतरता वगैरह है सब जो वो यहीं पे आता है। और ये अपना जो इसका मेन गेट, बाकी उधर वो मेन जा नहीं सकते, वहाँ पे मना जाना पे। तो ये अपना मेन गेट, इधर जाना मना नहीं, लेकिन फिर दिखा रहे कुछ। आ जाओ ये शूट करने वाला बहुत तगड़े थे यहाँ पे, है ना। देखो हम लोग यहाँ पे वहाँ से पूरा पूरा स्टेशन घूम घाम के इधर पे आ गए यहाँ पर। अभी ये जो लास्ट दिखाई थे हनुमान मंदिर, तो नीचे हनुमान मंदिर दिखाते हैं, देन रॉक क्लाइंब करते हैं। क्या चल रहा है भैया? अरे टेम्पू वाले हैं। अरे टेम्पू वाले से पूछ, याद आया हमको, जानते हो भैया स्कूल जाता था मैं, है ना, यहाँ से नीचे उतरता नहीं था कि भाई यहाँ पे यहीं पे एकदम आके सब टेम्पो वाले स्टेशन छाया। हमने कहा भैया जाने, वहाँ से वहाँ तक जाने नहीं पड़ता था, सब एकदम सुविधा सवाल सब। सो ये अपना हनुमान जी का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रिय है सबको। तो ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे मंगलवार को हर बार सब लोग आते हैं, इतने भक्त हैं, हम भी आते हैं। मेरा भाई तो हर मंगल को यहाँ आता है, और थर्सडे को वहाँ साईं मंदिर जाता है, आते शाम को अच्छा लगता है, बहुत भजन भजन वगैरह होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो भाई तो देखो अपना यही था, तो मैंने पूरा रेलवे स्टेशन दिखाया यहाँ, हम लोग इधर ही साइड से आए थे, उस एंड से आए थे, तो और मतलब इधर से पूरा चल के उधर से पूरा चार नंबर से पूरा उधर से घूम के पूरा बहुत ज़्यादा लंबा पूरा स्टेशन, मैंने मतलब एक तरीके से पूरा एरिया कवर कर दिया। मान को आपने दिखाने वाला था, मैंने वो भी दिखा दिया पूरा। तो सबको देख के हो तुमको मजा आया होगा, अगर बारौनके से हो तो थोड़ा सा और जाने को मिल गया होगा चाइना मार के बारे में तुमको, और बाकी सब जान के तुम लोग बाहर से हो तो एक्सप्रेशन ज्वाइन कर लो अभी तक, फटाक से एक लाइक कमेंट ठोक दो, नहीं ठोका अभी तक तो, और आओ कभी बाराबंकी घूमने, बहुत अच्छा प्लेस है। ज़्यादा कुछ घूमने वाला तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ अच्छा है, तुम लोग कुछ चीज़ें घूम सकते हो, बहुत पॉपुलर है। देवा शरीफ हो गया, और यहाँ पे महादेव मंदिर हो गया, धीरे धीरे सबके ब्लॉग्स आएंगे, और पारिजात वृक्ष हो गया, तो सारे सो डूड सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पे मैं ब्लॉग लाना स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा टाइम दिक्कत होती है, मैंने को कॉलेज भी नहीं खुले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, कोई नहीं, हम लोग को टाइम निकाल के किसी दिन जाते हैं, एकदम से घूम घाम के महादेव जाएंगे, उधर से फिर पारिजात वृक्ष जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे पूरे पूरे ब्लॉग शूट करेंगे। जल्दी ही आएगा वो भी सब जल्दी आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो भाई तो एक अच्छा सा अपना फीडबैक डाल दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। सो भाई।